आवाज okay. yes. आ रही होगी सभी को गुड इवनिंग एवरीवन जल्दी से कनेक्ट करते जाइए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को यस yes. ठीक है इक्वली ब्रियम का आज होगा हमारा लेक्चर ठीक है लेक्चर नंबर फाइव क्योंकि दो पीछे लेक्चर हो नहीं पाए कोई बात नहीं ठीक है ड्यू टू सम अन अवॉर्डेबल रीजन गुड इवनिंग एवरीवान जल्दी से कनेक्ट करते जाइए इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर फाइव लेकर आ चुका हूं मैं यस ठीक है ओके okay, खुशी थैंक यू सो मच ठीक है इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर फाइव तो देखो यहां पे ठीक है तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही है कि हमारा आईआईटी आई जैम केमिस्ट्री का कोर्स आपको सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ के साथ मिल रहा है यस yes, जिसकी आपको फी ओनली पे करना होगा टू ट्रिपल, टू ट्रिपल के अंदर आपको कंप्लीट लाइव कोर्स आपको मिलेगा आई की फैकल्टीज आपको लाइव आकर आई आई टी पढ़ाएंगे यस ठीक है आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस दी जाएंगी बिल्कुल आपको लाइव आकर ऐप के ऊपर पढ़ाया जाएगा थ्री थाउजेंड के अंदर जस्ट ओनली रुपीज थ्री थाउजेंड फ्रेश पैच स्टार्ट हो रहा है हमारा कब से तो चलो वो भी देख लेते हैं ठीक है तो थर्टी के सब्सक्राइबर्स की खुशी में हमारे जैसे आके आपको पता है कि हमारे आई केमिस्ट्री के चैनल पर हमारे थर्टी के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो थर्टी के सब्सक्राइबर्स की खुशी में वंस अगेन ये जो हमारा सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वाला जो हमारा चल रहा था प्रोग्राम इसको रिन्यू किया गया है इसको फिर से डाला गया है ठीक है तो थर्टी के सब्सक्राइबर्स का कंप्लीट होने की खुशी में हमारा फिर से एक हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रेश बैच एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स आई आई टी जाम केमिस्ट्री का थर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रहा है येस थर्टीन ऑफ सेप्टेंबर से राइट right? तो थर्टींथ ऑफ सेप्टेम्बर से हमारा बैच अगेन स्टार्ट हो रहा है स्पेशल डिस्काउंट जिसमें आपको मिल रहा है आई आई टी जैम केमिस्ट्री का कोर्स एट जस्ट आई एन आर टू ट्रिपल नाइन ओनली टू ट्रिपल नाइन ओनली के अंदर ही आपको कोर्स मिल रहा है तो इससे बेटर चीज़ इससे बेटर तो आई थिंक कोई बात ही नहीं हो सकती कि जस्ट टू ट्रिपल नाइन के अंदर आपको कंप्लीटली फ्री मतलब कंप्लीटली एक तरीके का पूरा का पूरा आई आई टी जैम केमिस्ट्री का कोर्स जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा सारे के सारे ऐप के हमारे जो फीचर्स है वो आपको मिलेंगे आपको डी आपको पी आपको वीडियो लाइव लेक्चर के बाद उसका वीडियो भी आपको उसी टाइम थोड़ी देर में मिल जाता है डेली लाइव क्लासेस चलती हैं और थर्टीन सितंबर से हमारा फ्रेश बैच न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है ठीक है तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए तो इसको जल्दी से स्प्रेड कर दीजिए दोस्तों के साथ ठीक है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का और अपने आई में जाने के सपने को साकार कर पाए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर पाए यस ठीक है चलिए तो आज हम देखेंगे हमारे इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर फोर यस ओके ठीक है तो इक्विलिब्रियम का आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर फोर तो फाइव लेक्चर नंबर फाइव का तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर फाइव सही तो है है ठीक लेक्चर नंबर फाइव आज हम देखेंगे तो देख हैं तो लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो पहले लास्ट क्लास का एक रिवीजन सा देख लेते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास की बात करूँ तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी उसकी एप्लीकेशन ऑफ इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट की यस yes, के बारे में बताया था मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब यूज किया जाता है क्यों यूज किया जाता है किन कंडीशंस पर यूज किया जाता है है ना डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ डिसोसिएशन इसको हम परसेंटेज या परसेंटेज डिसोसिएशन भी कह देते हैं किस किस का रेशो होता है ये डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स इनका ये रेशो होता है है ना डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स इनटू में 100 कर दो तो वो आपका परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा वो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में हो जाएगा यस तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अल्फा होगा वो हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें के पी कैलकुलेट करना हो यस के पी की टर्म्स में ही उसको यूज़ करने के लिए यूज लेंगे जब हमें के पी कैलकुलेट करना हो के सी की टर्म्स में उसको यूज में नहीं लेंगे और जब भी के पी और एल्फा की बात हो रही होगी तो हम हमेशा रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग द वन मोल इनिशियली वन मोल से रिएक्शन को शुरू करेंगे तो उसका मैंने आपको पूरा फुल प्रूफ दिया था कि क्यों हमें ऐसा करना है क्यों हमें एक मोल से ही शुरू करना है क्यों हमें जब केपी के -पी टर्म्स में जा रहे हैं तो ही हमें अल्फा को क्यों लेना है क्यों लेना है क्योंकि तभी हमारे अल्फा जो है वो वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देगा रिड्यूस कर देगा अननोन वेरिएबल्स को अननोन वेरिएबल्स हमारे कम हो जाएंगे यस सही है और के सी की टर्म्स में तीन ही वेरिएबल्स रहते हैं लेकिन जब हम के पी की टर्म्स में अल्फा लेकर चलते हैं तो हमारे वेरिएबल्स दो होते हैं ठीक है वहां पर तीन की जगह पर दो वेरिएबल्स हो जाते हैं तो इसलिए वो हमारा बेनिफिट रहता है वहां पर हमको इसको यूज़ करना चाहिए ठीक है तो जितने भी लोग करेक्ट होते जा रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठ जाकर इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सके सबको हेल्प मिले यस ठीक है शेयर करिए इसको ताकि सब लोग फ़ायदा उठा पाए ठीक है तो आज हम देखेंगे हमारी इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर फाइव ठीक है चलिए तो so, हम लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ठीक है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी रिएक्शन की यस कि रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जब हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इनवर्स हो जाएगा यस yes, रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फैक्टर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की पावर में आ जाएगा दो रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल मल्टीप्लाई दो रिएक्शन को अगर आप सब्ट्रिक्ट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डिवाइड में आ जाएंगे ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर करी थी बिल्कुल करी थी यस करेक्टर सिक्स के बारे में इक्विब्रियम uh, अगर रिएक्शन रिवर्स इक्विबियम कॉन्स्टेंट इनवर्स रिवर्स इनवर्स रिएक्शन को अब फैक्टर से मल्टीप्लाई किया वो फैक्टर पावर में आ जाएगा यस yes, रिएक्शन को ऐड कर दिया ऐड कर दिया दो रिएक्शन को तो इक्विबियम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और अगर रिएक्शन को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इक्विबियम कॉन्स्टेंट डिवाइड में आ जाएंगे यस yes, तो आज हम बात करेंगे इसकी सेकेंड एप्लीकेशन की ठीक है ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी अगर मैं बात करूँगा इसकी सेकेंड एप्लीकेशन की दैट विल बी दी टू प्रोडिक्ट द

ध्यान से बात करते हैं यहां पे हम जैसे कि देखो मान लो मैं ये रिएक्शन लिखता हूं ए प्लस बी गिविंग वॉटिंग सी प्लस डी ठीक है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी मान लो इनिशियल मोल्स की अगर मैं बात करूं इनिशियल मोल्स यानी टी इजिकल्स टू जीरो पे यस टी इजिकल्स टू जीरो पे तो मान लो इसके वन वन मोल होंगे मान लो a और b नहीं प्रेजेंट इनिशियली c और d प्रेजेंट है वो तो आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कोई मुझे बता सकता है अब रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी मान लो मोल्स लिए मैंने और सीओडी के इनिशियली पर और के एक एक मोल है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी ऑब्वियस सी बात यहां से घटेगा क्योंकि इनिशियली ये प्रेजेंट होंगे इनिशियली वन वन मोल ये प्रेजेंट है और डी तो इसमें से वन में से एक्स जाएगा ए एक्स जाएगा सो इन दोनों की भी बिस्ट्रोश्योमेट्री वन वन है यस ये आ जाएगा ये बनेगा यस तो हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली ठीक है लेक्चर टोटल कितने होंगे टोटल लेक्चर आप लोग पे डिपेंड करता है जिस तरीके का आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उस तरीके से हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है तो हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में आई बैकवर्ड डायरेक्शन में यस रिएक्शन ये किस डायरेक्शन में मूव करी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर सही है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन चली है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ में रियाक्शन चली है वन में से एक्स एक्स इधर एक्स एक्स आ जाएगा है ना क्योंकि इनिशियली ये मोल थे सी और डी इनिशियली प्रेजेंट थे तो ये हो जाएगा अब अगर मैं बात करूँ यस बैक डायरेक्शन में वेरी गुड देवांश देवाशीष वेरी गुड ठीक है अगर यहाँ पे हम मैं इसके केवन की बात करूँ इसकी इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट की तो इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रट्रेशन तो प्रोडक्ट तो यही है प्रोडक्ट तो यही है सी तो की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए की कंसेंट्रेशन एंड बी की कंसेंट्रेशन यस yes. ये हो जाएगा हमारा केवन तो बस लगाओ केवन की वैल्यू केवन क्या हो जाएगा हमारा वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स ये हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्न जाएगा हमारा केवन यस ये बन जाएगा हमारा केवल yes. ये, ये आ जाएगा हमारा इक्लेब्रियम कॉन्स्टेंट की इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब अगर मान लो मैं क्या करता हूँ इस रिएक्शन को ध्यान से देखना अगर मान लो मैं क्या करता हूँ इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं उल्टा कर दो इस रिएक्शन को जैसी जैसी रिएक्शन है वैसे का वैसा उल्टा कर दो इसको तो अगर आप इस रिएक्शन को था जैसा जैसा उसको उल्टा कर देंगे मतलब सी प्लस डी गिविंग वाट ए प्लस बी सी प्लस डी गिविंग वाट ए प्लस बी तो मान लो इनिशियल मोल्स इसके वन इसके वन कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है One, one. ठीक है तो अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा अब इक्विलिब्रियम पर मोल्स क्या होंगे इस वन में, से एक्स, वन में से एक्स ये एक्स, ये एक्स. Yes. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा क्योंकि वन 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 है तो वही चीज रिएक्शन को रिवर्स किया है सब कुछ रिवर्स हो जाएगा है ना हमने किया रिएक्शन को रिवर्स तो सब कुछ रिवर्स है? तो यहां अगर मैं बात करूं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो हमारा K2 क्या हो जाएगा ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 ये क्या हो जाएगा क्या बन जाएगा A की कंसंट्रेशन B की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय C की कंसेंट्रेशन एंड D की कंसंट्रेशन ठीक है ये हो जाएगा तो यहाँ से हम के टू की वैल्यू निकालते हैं तो के टू हमारा क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा ये ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वेयर जो कि आपका क्या बन गया ये क्या था वन माइनस एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर ये जस्ट उसका उल्टा तो दैट विल बी दी वन बाई के वन तो इससे हमें प्रूफ भी मिल गया इससे हमें इस बात का सबूत भी मिल गया कि अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इनवर्स हो जाता है यस yes? इस बात का प्रूफ भी मिल गया और हमने डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्ट भी कर ली कि ऐसा अगर केस होगा तो रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में यस yes. इनिशियली पर मोल्स प्रेजेंट होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी जहां मोल्स प्रेजेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यस yes. यहां पर प्रेजेंट थे यहां मोल्स थे तो इसके अपोजिट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन गई यस yes. जहां मोल्स प्रेजेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी चलेगी सही है कोई दिक्कत नहीं सबको समझ में आगे बात क्लियर है ठीक है आगे चल सकता हूं यस सभी को पॉइंट क्लियर सभी को पॉइंट क्लियर तो आगे चलते हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं जरा ध्यान से देखिए ठीक है अभी ध्यान से देखिए एक और पॉइंट समझते हैं यहां पर हम ठीक है एक पॉइंट और समझते हैं ध्यान से देखो ठीक है यह मान लो मैं बात करता हूं यही ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी ठीक है ये मान लो मैंने ले लिया ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी ठीक है और मान लो सबके वन 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 मोल्स प्रेजेंट है एक फैक्टर होता है एक चीज होती है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है जो कि एक फैक्टर होता है एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्यूसी विच इज नोन एज द रिएक्शन कोशेंट क्यू सी जिसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट सेम ये भी एक तरीके का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ही है इसका भी रेशियो वही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट एक्स और वाई मान लो आर्बिट्रेरी स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियट है इसके ठीक है तो क्यूसी वही है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ईच रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट ठीक है वेरी गुड ये भी एक तरीके का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ही है मतलब क्यूसी के बारे में हम ये बात कह सकते हैं दैट क्यूसी इज द क्यूसी क्या है क्यूसी इज रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन एट टाइम एट एनी टाइम ियम एट एनी टाइम अदर देन इक्वलिब्रियम इक्म के अलावा किसी भी पर. QC क्या है इक्वलिब्रियम को छोड़कर इक्विब्रियम जिस टाइम पर हो उसको छोड़कर किसी भी टाइम पर आप प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का रेशो ले लो दैट इज द्यूसी ठीक है बात समझ में आ रही होगी क्यूसी क्या है रिएक्शन कोशन और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का रेशियो इक्विलिब्रियम टाइम के अलावा अब इसमें और चीज आप समझ सकते हैं तो केसी तो हमको पता ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ठीक है तो एक चीज इसमें आपको और समझनी होगी डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए कि अगर अगर आपकी क्यूसी की वैल्यू लेस देन आती है केसी से मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का रेशियो जिस टाइम पर आप निकाल रहे हो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से अगर कम है तो आपकी रिएक्शन कहाँ जाएगी क्यूसी की वैल्यू कम है हमें क्यूसी को बढ़ाना है हमें इक्विलिब्रियम अप्रोच करना है यस मान लो हमें इक्विलिब्रियम अप्रोच करना है हमें क्या करना है क्यूसी की वैल्यू लेस देन है के सी मान लो हमें इक्विलिब्रियम अप्रोच करना है इक्विलिब्रियम की तरफ हमको जाना है इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है यानी हमें क्या करना होगा क्यूसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि क्यूसी की वैल्यू क्या है के से कम है यस क्यूसी की वैल्यू के से कम है सी से कम है मतलब हमें क्यूसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कैसे बढ़ेगी जब आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटे और ये कब पॉसिबल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ना और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का घटना कब पॉसिबल है कब पॉसिबल है जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है यस तो अगर हमारा यस तो अगर हमारा अगर हमारा क्यूसी जो है वो लेन के सी होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी सही है रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अभी देखिए अगर हमारा क्यूसी जो है कम है अगर हमारा क्यूसी जो है वो ग्रेटर देन के सी है अगर हमारे क्यूसी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन के सी है मतलब वैल्यू ज़्यादा होगी प्रोडक्ट बाई कन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो अब हमें अगर इक्विलिब्रियम को अप्रोच करना है अब अगर हमें इक्विलिब्रियम को अप्रोच करना है तो हमें क्यूसी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा क्योंकि क्यू की वैल्यू के सी से ज़्यादा आ रही है तो अगर हमें अब इक्विलिब्रियम अप्रोच करना है तो हमें क्यूसी को कम करना पड़ेगा क्यू कम कैसे होगा जब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम हो या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती QC हो क्यू कम कब होगा क्यू की वैल्यू कम कब होगी जब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम होती हो रिएक्टेंट की ज़्यादा होती हो कब पॉसिबल होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड में जाए यानी क्यूसी अगर लेस देन के सी होगा क्यूसी की वैल्यू अगर लेस देन के सी होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तब हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा मेरी बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है सबको क्लियर है यस जितने लोग देख रहे हैं सबको क्लियर अगर क्यूसी लेस देन क्यूसी ग्रेटर देन के सी होगा तो हमें क्यूसी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी है ना इक्विब्रियम अप्रोच करने के लिए क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है हमें उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू कम कब होगी कम कब होगी जब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन आप कम कर दोगे रिएक्टेंट की बढ़ा दोगे यानी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाना चाहिए यस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाना चाहिए और एक सिंपल सी चीज़ ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि अगर आपके क्यूसी की वैल्यू के की वैल्यू के इक्वल होगी तो हम कह देंगे जी हमारा सिस्टम प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पे सिस्टम एज एट द इक्विलिब्रियम सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पर ही है सिस्टम इज एट द इक्विलिब्रियम सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है सही है ठीक है तो ये तीन बातें आपको क्लियर होनी चाहिए सबको क्लियर जल्दी से बता दो मुझे कमेंट कर दो एक बार यस सबको क्लियर ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए जल्दी से बता दो मुझे सबको क्लियर है बातें ठीक है तो फिर हम आगे चलते हैं अगर क्लियर है तो यस yes. तो को क्लियर ठीक है तो आगे चल देंगे ठीक है ये समझ में आ जाए क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा रिएक्शन वापस आएगी बैकवर्ड में और क्यूसी केसी के बराबर होगा तो रिएक्शन को हम कहेंगे कि रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है है, रिएक्शन हमारी इक्विब्रियम पर प्रेजेंट है ठीक <coughs> सबको क्लियर होगा तो चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं एक क्वेश्चन लिखते हैं ठीक है करेंगे सब लोग यस एक क्वेश्चन लिखते हैं ठीक है क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ठीक है क्वेश्चन क्या है ए प्लस बी इन इक्विब्रियम लो सबकी कंसेंट्रेशन यस सबके इक्विलिब्रियम पर मोल्स है one, one, one. ठीक है सबके इक्विलिब्रियम पर मोल्स है one, one, one. ठीक है? और के की वैल्यू है वन बाई टू वॉल्यूम है टू लीटर डब्बे का ठीक है वॉल्यूम है डब्बे का टू लीटर और क्यू की वैल्यू दे रहा हूँ मैं आपको क्यू की वैल्यू दे रहा हूँ एंड विल बी दैट विल बी दी वन ठीक है क्यू एन की वैल्यू वन है अब मुझे बताइए मुझे बताइए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड किस डायरेक्शन में जाएगा सॉल्व करिए मुझे आंसर बताइए ठीक है सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्यू सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए और मुझे बताइए रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी किस रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी ठीक है जल्दी बताइए मैं यहीं खड़ा हूं ठीक है यस किसी का आंसर जल्दी से बताओ आंसर आंसर इस क्वेश्चन का यस इन वन ठीक है देखो इधर हमें निकालना था इसका क्यूसी एक फॉर्मूला हमें सिंपल पता है जो मैंने आपको के सी का बताया था क्या होता है केसी बराबर के एन टू में वन बाई वी की पावर डेल्टा एन जी सही है ठीक है तो सिमिलर मैनर पे सिमिलर मैनर पे हम फार्मूला लगाएंगे क्यू सी का दट क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू एन में वन बाई वी की पावर डेल्टा एन जी यस लगा लो फॉर्मूला ठीक है तो क्यू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू एन की वैल्यू क्या है वन वन में वन बाई वी वी की वैल्यू कितनी है टू लीटर टू पावर डेल्टा एन जी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है ये एक मोल है इसका और इसके दो है सो वन माइनस टू सो वन माइनस टू वन माइनस टू विल बी माइनस वन यस तो ये क्या हो जाएगा वन इन टू में वन बाई टू की पावर माइनस वन तो हमारा क्यूसी कितना आ जाएगा क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी टू क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी टू और के सी की वैल्यू क्या है बाई टू क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है 2. तो हम यहां से आराम से कंक्लूजन दे सकते हैं क्यूसी की वैल्यू so के सी से ज्यादा है क्यूसी इज ग्रेटर देन के सी सो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट के रिएक्शन अब कहा जाएगी क्यूसी कम है क्यूसी ज्यादा है क्यूसी ज्यादा है केसी से तो हमें क्यूसी को कम करना पड़ेगा रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी सबको क्लियर सबको क्लियर यस सबको क्लियर होना चाहिए रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी रिएक्शन और रिएक्शन विल गो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन यस तो ये हो गई हमारी सेकेंड एप्लीकेशन कि हमें प्रिडिक्ट करना हो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को कि रिएक्शन की हमारी जो रिएक्शन हमारी चलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी सही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको प्रिडिक्ट करने का तरीका हो गया ठीक है अब इसके बाद बात करेंगे हम हमारी थर्ड इसकी थर्ड एप्लीकेशन की दैट विल बी दैट विल बी थर्ड एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारी इसकी टू प्रिडिक्ट दू प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रियक्शन टू प्रिडिक्ट एक्सटेंट प्रिडिक्ट एक्सटेंट क्या है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या एक्सटेंट है उसका मतलब उस रिएक्शन की कितनी एक्सटेंट है कि इसी की वैल्यू कितनी आ रही है क्या कुछ है उसका एक्सटेंट प्रिडिक्ट करना yes. तो एक्सटेंट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ध्यान से एक्सटेंट की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सटेंट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा तीन फैक्टर्स हम इसको डिवाइड कर देंगे यहां मानता हूं मैं की पावर माइनस थ्री यहां मानता हूँ मैं की पावर थ्री अगर अगर उसका एक्सटेंट आपका कुछ यहाँ जाता है तो यहाँ पर हम कह देंगे ठीक है अगर उसका एक्सटेंट इस साइड पे होता है की पावर माइनस थ्री से कम वैल्यू आती है केसी की केसी की तो हम कह देंगे मोडरेट वेरी लो तो हम कह देंगे वेरी लो है ना के की वैल्यू वेरी लो क्योंकि की पावर माइनस थ्री है अगर उसका जो एक्सटेंट है मतलब एक्सटेंट की बात करेंगे तो वेरी लो एक्सटेंट रिएक्शन का अगर के की वैल्यू इस रेंज में आती है तो दैट विल बी दी मोडरेट वैल्यू मोडरेट वैल्यू यस और अगर हम बात करेंगे कि की पावर थ्री से ज्यादा आए के की वैल्यू सो दैट विल बी दी वेरी हाई वेरी हाई एक्सटेंट वेरी हाई ठीक है तो ये हमारा इस तरीके से एक्सटेंट बन जाएगा ठीक है फिफ्थ एंड लेक्चर यूट्यूब पे है क्या जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसी के आगे आज के लेक्चर में कंटिन्यू है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपके पीछे आगे का कुछ मैंने कर रखा है ठीक है जहां से लास्ट क्लास छोड़ी थी उसी के आगे से आज चल रहा है ठीक है दो दिन पीछे लेक्चर नहीं हुआ ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स ठीक है तो जहां से क्लास छोड़ी थी वहीं से हमारा आगे चल रहा है ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन ठीक है तो यहाँ पर हम केस मानेंगे कि के जब केसी की वैल्यू इतनी कम है टेन की पावर माइनस थ्री से भी कम है बहुत लो है तो हम मानेंगे यहाँ पर कि हाँ हमारी रिएक्शन एक तरीके की नेग्लिजिबल स्टार्ट है यस नेग्लिजिबल स्टार्ट ना के बराबर है रिएक्शन एक तरीके की स्टार्ट हुई ही नहीं यस दिस इज लेक्चर नंबर फाइव यस वेरी गुड यस ये हमारा लेक्चर नंबर पाँच है ठीक है देवाशीष से सही बोला ठीक है अगर देखो केस नंबर वन हम महावाल चलते हैं इसमें ठीक है केस नंबर वन वेन के सी इज लेस देन टेन रेज टू द पावर माइनस थ्री अगर केसी की वैल्यू हमारी टेन की पावर माइनस थ्री से कम है यस टेन की पावर माइनस थ्री से कम आती है तो हम कहेंगे दैट मीनस दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सिंपल सा दैट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ़ 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 अमाउंट अमाउंट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट सिंपल सी बात है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ना के बराबर ही हुए हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट यस है ना ना के बराबर ही हुए वो वही क्या है ना जब के की वैल्यू है ही इतनी और के हमारा होता क्या है सबको पता है के हमारा होता ही क्या है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ईच रेज टू द पावर ऑफ देर सोशोमेट्रिक ऑफिशंट यस है ना तो वही इतना कम है के की वैल्यू आ ही दस की पर माइनस तीन से भी कम रही है माइनस चार माइनस पांच माइनस छो तो इतनी कम वैल्यू आ रही है तो केसी की वैल्यू बहुत कम है तो हम कह सकते हैं मतलब किसी की वैल्यू अगर वेरी वेरी लो है तो हां जी प्रोडक्ट बहुत कम बनाए तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो ना के बराबर हमारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कि रिएक्शन रिएक्शन एक तरीके की ना के बराबर ही स्टार्ट हुई है ना रिएक्शन नेग्लिजिबल स्टार्ट ना के बराबर शुरू हुई है रिएक्शन है ना रिएक्शन नेग्लिजिबली स्टार्ट ना के बराबर रिएक्शन चल रही है सही है ठीक है ना के बराबर हम मान के चलेंगे कि रिएक्शन हमारी चल रही है तो इसमें बड़े आराम से कह सकते हैं कि के की वैल्यू वेरी वेरी लो है के की वैल्यू वेरी लो है तो हम बहुत आराम से ये बात कह सकते हैं के की वैल्यू वेरी वेरी लो तो हम बहुत आराम से ये बात कह सकते हैं कि हाँ जी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन से यस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी हमारे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन से बिल्कुल सही बात है कोई डाउट नहीं इसके अंदर ठीक है तो इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू तो मानो ओके यहाँ देखते हैं एक स्लाइड में तो मान के चलो किसी की वैल्यू लेस देन वेरी वेरी लेस देन वेरी वेरी लो है टेन की पार माइनस थ्री से भी कम यस तो मान के चलो मैं रिएक्शन लेता हूँ ये ए प्लस बी ए प्लस बी गिविंग वॉट ए प्लस बी गिविंग टी प्लस डी ठीक है मान लो इनिशियल मोन इसके, इसके वन है इसके वन है इसके कुछ नहीं कुछ नहीं है ठीक है इक्विलिब्रियम पर मोल्स की बात करेंगे इक्विलिब्रियम पर मोल्स की बात करेंगे सो दैट विल बी डी वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स ये एक्स ये एक्स यस यही बनेगी कहानी मान लो मान लो इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू जो हमारी वेरी वेरी, वेरी लो आनी थी मान लो वो है टेन की पावर माइनस टेन के इक्वल ठीक है टेन की पावर माइनस टेन के इक्वल तो अगर मुझे इसका केसी लिखना होगा तो केसी इसका क्या होगा क्या होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उनकी पावर का उनकी स्रोशियोमेट्रिक ऑप्शन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन यस yes, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वेयर यस यही बनेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू दी टेन की पावर माइनस टेन यस यही होगा नो डाउट एट ऑल यही चीज बनेगी अब देखो इसमें अगर हम एक एजम्पन मान के चल लेते हैं हम एक एजम्पन मानकर चलते हैं क्या एजम्पन एज्यूम

एक्स वेरी वेरी लेस देन सो माइनस एक्स क्लोज टू वन वन माइनस एक्स हमारा वन के इक्वल ही होगा ठीक है ये जम्पन मान के चल ली तो ये वन के इक्वल हो जाएगा तो हम कह देंगे के सी बराबर एक्स स्क्र जो कि बराबर हो जाएगा टेन की पार माइनस टेन के और तो यहाँ से फिर ये लिख सकेंगे कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन की पार माइनस टेन और यहाँ से फिर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी टेन की पावर माइनस फाइव यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी हमारी टेन की पावर माइनस फाइव यस और जो कि बिल्कुल सही बात हो गई हमने मान के क्या चले थे कि X की की वैल्यू वैल्यू वेरी 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 लेस लेस देन देन होनी चाहिए ये लो तो चाहिए? आई रही है X की very -very तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो एजम्पन मानी थी अवर एजम्पन इज करेक्ट यस एक्स की वैल्यू ये आई विच इज वेरी वेरी लेस देन वन हेंस अवर एज्शन इज करेक्ट तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस एजम्प्शन इज करेक्ट हमारी एजम्प्शन सही है हेंस इज करेक्ट हमारी एजम्पन सही है बिल्कुल सही है सौ तो टका सत्य है ठीक तो है आवर एजम्पन इज करेक्ट हमारी एजम्पन सही है ठीक है हमारी एजम्प्शन बिल्कुल सही है राइट है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे चले आगे चले आगे चले ठीक है चलो ये केस सबको समझ में आया इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस ये केस सबको समझ में आना चाहिए ठीक है सबको क्लियर होना चाहिए क्या कहानी हुई इस केस के अंदर ठीक चलो नेक्स्ट केस देखते हैं हमारा केस नंबर टू नेक्स्ट केस विच इज द केस नंबर टू और यहां हम बात करेंगे किसकी केस नंबर टू में वेन इज वेरी हाई वेन केसी इज वेरी वेरी हाई जब हमारा केसी जो है वह बहुत ज्यादा हाई होगा वेन केसी इज वेरी वेरी हाई जब के सी हमारा बहुत हाई होगा ठीक है केसी की वैल्यू बहुत हाई होगी ठीक है तो इसकेस में देखो मान लो मैं रिएक्शन लिखता हूं ए प्लस बी यस ए प्लस बी गिविंग सी प्लस बी ये मान लो मैंने रिएक्शन लिखी ठीक है इनिशियल मोल वन वन कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है इनिशियल मोल से ही हो गए वन वन कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है अब मान लो मैं क्या करता हूं और इसके के सी वेरी हाई है तो मान लो यहां पर केसी की वैल्यू है टेन की पावर एट हम तो बहुत आराम से कह सकते हैं कि रिएक्शन हमारी बहुत तगड़ी गई है बिल्कुल कंप्लीट ही हो गई रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच गई बहुत अच्छे से रिएक्शन है है ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा क्योंकि केसी की वैल्यू क्या है टेंकी पावर रेड यानी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में यस yes. ठीक है तो ये चीज़ होगी हमारी सही है अब इसमें देखिए ऐसे केस में करना क्या होगा अगर आपके केसी की के वैल्यू बहुत हाई होती है तो आपको करना क्या होगा पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है ये स्टेप समझ लेना पहला स्टेप क्या करना होगा अगर रिएक्शन आपकी ऐसी जाती है ठीक है केसी वेरी हाई ये चीज़ होता है तो पहला स्टेप आपको क्या करना होगा कंप्लीट द रिएक्शन पहला स्टेप आपको करना होगा कि रिएक्शन को कंप्लीट कर दीजिए। तो रिएक्शन को अगर कंप्लीट कर दोगे, ये खतम, ये खतम, ये वन बनेगा, है दूसरा स्टेप हमको क्या करना होगा सेकेंड स्टेप होगा रिवर्स द रिएक्शन पहला स्टेप कंप्लीट द रिएक्शन सेकेंड स्टेप होगा यहां पे हमारा रिवर्स द रिएक्शन यस yes. क्या करो रिएक्शन को रिवर्स में कर दो उल्टी कर दो रिएक्शन को ठीक है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी था तो रिएक्शन को रिवर्स में कर दो रिवर्स में अगर कर दोगे तो आपका सी प्लस डी इन इक्विलिब्रियम विद ए प्लस बी आ जाएगा सी प्लस डी इन इक्विलिब्रियम विद ए प्लस बी रिवर्स कर दिया रिएक्शन को तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी ये लो ये लो और अब हमें पता है कि अगर हमने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट

अब ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट केस जैसी बन गई इनिशियल मोल्स ये हो गया अब इक्विलिब्रियम पर गईडेड बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वल टू टेन डेज टू पावर माइनस एट यही चीज बन जाएगी फिर से केसी की वैल्यू क्या होगी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पावर ऑफ देर सोशियोमेट्रिकॉर्मूला फॉर्मूला यस ये बनेगा फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला ठीक है यह आ जाएगा फॉर्मूला एक्स स्क्स एक्स का होल स्क्न की पार माइनस एट फिर से वही काम करेंगे फिर से हम वही काम चीज करके चलेंगे ठीक है हम एज्यूम करके चलेंगे हमारे केसी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का होल एंड इट इज इक्वल टू टेन रेज टू द पावर माइनस एट यहां पर हम वही बात करके चलेंगे एज्यूम अगेन वही चीज एज्यूम दैट एक्स विल बी वेरी वेरी लेस देन वन यस अगर एक्स वेरी वेरी लेस देन वन है तो हम आराम से वही चीज कह सकते हैं कि वन माइनस एक्स विल बी क्लोज टू वन वन माइनस एक्स वन के इक्वल हो जाएगा यस yes. वन माइनस एक्स विल बी क्लोज टू वन वन माइनस एक्स वन के इक्वल आ जाएगा तो वही चीज़ हमारी बन जाएगी फिर से कि एक्स स्क्वेयर किसकी इक्वल हो जाएगा टेन की पावर माइनस एट के और सॉल्व करोगे सॉल्व करोगे तो एक्स हो जाएगा टेन की पावर माइनस फोर सॉल्व करोगे तो एक्स विल बी द टेन की पावर माइनस फोर एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी टेन की पावर माइनस फोर तो अगेन हमारी एजम्प्शन बिल्कुल सही कि एक्स हमारा वेरी वेरी लेस देन वन होगा येस तो ए और बी की जो हमारी कंसेंट्रेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू ये आ गई तो ए और बी की कंसेंट्रेशन हमारी कितनी आ गई यस, yes, की पावर माइनस फोर टेन की पावर माइनस फोर यस yes, ये हो जाएगी हमारी इनकी कंसेंट्रेशन लेफ्ट कंसेंट्रेशन यस yes, ये आ जाएगी बच्चों की कंसेंट्रेशन इनकी ये हो जाएगी सही है सबको क्लियर किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर यस yes? ठीक है आगे चले आगे चलें यस ओके चलो आगे चलते हैं ठीक है चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं उसको करिए ठीक है एक बढ़िया सा सवाल लिखता हूं मैं वो करिए और देखते हैं फिर ठीक है चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं उसको देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है वन मोल ऑफ एन टू वन मोल of N2 and 3 moles of H2 1 mole of N2 and 3 moles of H2 1 mole of N2 and 3 moles of H2 are placed in a container are placed in a closed container okay are placed in a closed container प्लेस्ड इन अलोज्ड कंटेनर एट पी टी इज इक्वल्स टू फोर ए टी एम टोटल प्रेशर किस पे फोर ए टी एम पे एट पीटी इजिक्वल्स टू फोर ए टी एम टोटल प्रेशर किस पे प्रेजेंट है फोर ए टी एम पे ठीक है इफ द इफ टोटल प्रेशर एट द इक्वली ब्रियम इज थ्री ए टी एम ठीक है अगर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना होता है थ्री एटीएम यस ठीक है टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम इज थ्री एटीएम वेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड यस इफ अचीव इक्विलिब्रियम इज दिस वेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड वन इक्वलिब्रियम इज अचीव तो क्या करो क्या करो फाइंड द ठीक है के पी फॉर दिसक्शन विद टू एन एच थ्री इस फाइंड द इक्विलीबियम सारी सारी कैसे आपको फाइंड क्या करना है फाइंड के पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एमोनिया फाइंड द के पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एमोनिया एमोनिया की डिसोसिएशन के लिए केपी फाइंड आउट कर दीजिए इस ये आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द के पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एमोनिया चलिए यही हूँ मैं साइड में करिए सॉल्व फिर मैं आता हूं ठीक है आइए दिमाग करिए सॉल्व सॉल्व yes. किया आया आंसर सॉल्व किया सॉल्व किया आया आंसर किसी का बताओ मुझे बढ़िया सवाल है बहुत ही गजब का सवाल देखिए ध्यान से ठीक है देखिए ध्यान से अच्छा सवाल है क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहे है ध्यान से देखो 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2 आर प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट टोटल प्रेशर दिस एंड टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर दे दिया इतना इस रिएक्शन के लिए और के पी पूछ लिया आपसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया के लिए चलो देखो फिर ये रिएक्शन है हमारी N2 plus 3H2 एंड गिविंग एन एच थ्री यस एक मोल इसका दे दिया एंड थ्री मोल्स इसके दे दिए और टोटल प्रेशर दे दिया हमें कितना किस प्रेशर पे फोर ए पे इनिशियल प्रेशर फोर ए पे यस yes. ये हो गए हमारे इनिशियल मोल्स सही है ठीक है ये हो गए हमारे इनिशियल मोल्स अगर मैं बात करूंगा मोल फ्रैक्शन की तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाय फोर क्योंकि एक मोल इसका और तीन मोल इसके ये हो जाएगा थ्री बाय फोर टोटल मोल्स फोर अब अगर बात करेंगे इनिशियल पार्शियल प्रेशर की इनिशियल पार्शियल प्रेशर पीपी पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दो वो पार्शियल प्रेशर आ जाता है है ना मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर विल बी द पार्शियल प्रेशर तो ये क्या हो जाएगा वन बाई फोर इंटू में पार्शियल प्रेशर कितना फोर ये भी क्या हो जाएगा ऐसे थ्री बाई फोर इंटू में फोर है ना तो ये क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा चार से चार, ये गया, चार से चार चला दो रिएक्शन अब चलाओगे आप तो इसकी चलाओगेट्री वन है इसकी स्ट्रोशोमेट्री थ्री है तो वन माइनस पी ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा प्रेशर क्या आएगा आपका इक्विलिब्रियम पर प्रेशर वन माइनस पी एंड दिस वैल बी थ्री माइनस थ्री पी दिस बी थ्री माइनस थ्री पी कितना बन जाएगा टू पी यस और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना दिया गया था टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर दिया गया था थ्री ए है ना टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना दिया गया था थ्री एटीएम यानी इन तीनों का सम वन माइनस पी प्लस थ्री माइनस थ्री पी प्लस टू पी किसके इक्वल थ्री के इक्वल yes. किसके कौन सी चीज किसके इक्वल वन माइनस पी प्लस थ्री माइनस थ्री पी प्लस टू पी किसके इक्वल थ्री ए के थ्री ए के सही है तो देखिए अब वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर और माइनस थ्री पी माइनस पी माइनस फोर पी माइनस फोर पी प्लस टू पी माइनस टू पी फोर माइनस टू पी विल बी थ्री एटीए यस तो यहाँ से आप सोल्व करोगे फोर माइनस ये थ्री इधर आ जाएगा ठीक है फोर माइनस थ्री विल बी वन और वन इज इक्वल्स टू टू ए टू पी तो यहाँ से हमारे पी की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू यहां से हमारे पी की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू उसको बस वहां पे रख देना उसको वहां पे रख देना क्या थी हमारे एन टू की वैल्यू एन टू प्लस में थ्री एच टूराइज टू टू एन एच थ्री यस तो ये क्या थी वन माइनस पी ये कितना था थ्री माइनस थ्री पी और ये कितना था तो टू पी है टिका दो वैल्यूज बस वन माइनस पी की वैल्यू वन बाई टू थ्री माइनस थ्री इन टू में वन बाई टू है ना पे पी वैल्यू वन बाई टू और दैट विल बी टू इन टू वन बाई टू ये आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पर प्रेशर हो जाएगा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर प्रेशर, प्रेशर यस विल 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 बी 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 एट एट द द वन क्योंकि में से जाएंगे बचेगा दी अब आपको क्या के पी निकालना था फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एमोनिया को डिसोसिएट करना पड़ेगा रिवर्स यानी हमें, यानी हमें लिखना पड़ेगा है ना डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया के लिए चाहिए था इस रिएक्शन को रिवर्स लिखना पड़ेगा रिवर्स कर दो इस रिएक्शन को यानी 2 NH3 गिविंग इन 2 3H2 इस रिएक्शन के लिए लिखो इस रिएक्शन के लिए लिखना ना तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना कितना इसका 1 इसका कितना 1/2 और इसका कितना 3/2 ये लो अब KP लगा लो बस इसका तो KP क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ एन टू इंटू में प्रेशर ऑफ एच टू की क्यूब पावर थ्री डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ एन एच थ्री का स्क्वेयर कर डालो बस यही तो Kp के पी क्या आ जाएगा Kp के पी क्या आ जाएगा Kp के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्रेशर ऑफ एन टू कितना है प्रेशर ऑफ एन टू प्रेशर ऑफ एन टू एन टू का प्रेशर वन बाई टू वन बाई टू इन टू में थ्री बाई टू का क्यूब डिवाइडेड बाई एन एच थ्री का प्रेशर एन एच थ्री का प्रेशर वन तो ये वन वन का स्क्वेयर खत्म बात इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करना है ठीक है एक्सप्लेन अगेन ओके एक्सप्लेन अगेन देख लो तो क्या किया हमने वन मोल ऑफ एन टू थे थ्री मोल एच टू थे कंटेनर में रखा टोटल तो प्रेशर चार ए टी एम ठीक है तो वन मोल हमारे पास एन टू के थे थ्री मोल एच टू के थे टोटल प्रेशर चार ए टी एम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा इनिशियल मोल्स गिवन मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स तो एक मोल और तीन मोल टोटल कितने हो गए चार मोल्स तो वन बाय फोर वन बाय फोर इनिशियल पार्शियल प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है कि जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो उसके मोल फ्रैक्शन इंटू में टोटल प्रेशर ठीक है टोटल प्रेशर हमें पता है चार एटीएम मोल फ्रैक्शन कितना वन बाय फोर चार से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री बाय फोर चार से मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया इक्वली ये आ गया हमारे मोल्स अब इक्वलिब्रियम पर रिएक्शन चला दी दैट विल बी द इनिशियल मोल्स इनिशियल प्रेशर इनिशियल प्रेशर और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पे प्रेशर वन माइनस पी थ्री माइनस थ्री पी क्योंकि 3, 3 सम किसके इक्वल होगा थ्री ए के यस yes, क्योंकि टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कितना दे रखा है थ्री ए तो तीनों का सम किसके इक्वल थ्री ए के कर दिया उसके बाद उसको उठा के सॉल्व किया है बस वैल्यू आई पी की कितनी सॉल्व करके वन बाई टू रख दिया बस उसके बाद हमें के पी किसके लिए निकालना था डिसोसिएशन ऑफ एमोनिया के डिसोसिएशन ऑफ एमोनिया के लिए तो एमोनिया को हमने यहाँ पर इस तरीके से डिसोसिएट कर दिया ट कर दिया प्रेशर हमें पता ही इक्विलिब्रियम पर खत्म बात आ गया आंसर ठीक है कर लोगे तो इसको आप सॉल्व करोगे सो दैट दैट विल विल बी बी क्लोज क्लोज टू टू ठीक है अभी क्लियर कॉन्सेप्चुअल स्टडी सबको क्लियर यस ठीक है तो ये होगा हमारा इसका आंसर ठीक है तो आज के इस लेक्चर को फिर हम इतना ही रखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट होता है होपफुली शायद कल क्लास होगी ठीक है तो आप लोग को पता लग जाएगा ठीक है जब भी क्लास होगी ठीक है सो थैंक यू सो मच गुड बाय दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे सईय सक्का एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी रुड़की सीएसआर जेआरएफ गेट क्वालिफाइड राइट नाउ फ्रॉम आईएफएस थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो दोस्तों के साथ इस बात को फैला दो सारी की सारी चीज को कि हमारा आई आई टी जाम का बैच शुरू हो रहा है थर्टींथ ऑफ सेप्टेंबर से ठीक है टू ट्रिपल नाइन जस्ट फीस है ओनली आपको पूरा का पूरा बैच फ्रेश लाइव पढ़ाया जाएगा टू ट्रिपल नाइन के अंदर इससे मिनिमल फीस तो क्या ही हो सकती है ना ठीक है तो चलो गुड बाय टेक केयर हैप्पी लर्निंग